वैसे लड़की का नाम अभी बताएगा कि उसे बहू बनाकर घर लाने के बाद बताएगा? मेहर, मेहर पुरोहित। अच्छा, और वो यही की है? नहीं, भोपाल की। ठीक है, मिलने बुला सकता है उन्हें? ऑफ कोर्स, हाय जी। आपको पता है अगर मेरी कोई कंपनी होती ना, मैं आपको बेस्ट आईजी का अवार्ड देता। वाओ। माँ, मैं अभी मेहर को फोन करता हूँ। जल्दी जा। माधवी, तुम सूप बना दोगी? जी, जरूर। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने? इतनी आसानी से मान गई आप? ये ठीक नहीं लग रहा है। मेरे बच्चे की शादी की बात है देवर जी, जो आपको ठीक नहीं लग रहा हो उसे ठीक लगवा लीजिए। अरे, इतने अच्छे व्यापारी होकर भी अपने मतलब की बात नहीं समझ पा रहे हो? एक तो लड़की गरीब घर की है, ऊपर से नई ब्याही हुई, मतलब आपके हाथ में तो मिट्टी लग रही है मिट्टी। हाँ, उसे जैसे ढालना चाहोगे ढल जाएगी, जैसे चाहोगे दब जाएगी। हाँ, जात कुनबा क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद तो लड़कियां अपना नाम बदलती है। हाँ, और नाम के साथ अपने आप को भी। इसीलिए कहती हूँ, चिंता छोड़िए और मुस्कुराइए, बेटे की जवानी मुबारक हो आपको। मैं अच्छी हूँ रे, बस ताई जी का कमरा साफ कर रही हूँ, कुछ नहीं। पता नहीं इतने सारे सामान का ये करती क्या है। शक्कर चवन्नी और नखरे अठन्नी, जितना भी पाउडर लगा ले, कौन सा सिनेमा की हीरोइन। वो मैं ताई जी, माफ कर दीजिए, मैं बस ऐसे ही। अरे नहीं 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 नहीं, अरे माफी मांगने की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, ये लो ये लो। अरे, तुम्हें मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर इतना अच्छा लगा ना, चल ये रख ले। अरे रख, नहीं ताई जी, मुझे नहीं चाहिए। और ठेठ, और ये देख, ये सब कुछ ये देख। हाँ, ये सब। अरे हाँ, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं ताई, ये सब रख ले। अरे ये सब तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। और क्यों नहीं अच्छा लगेगा, अरे तुम इतने खूबसूरत जो हो, गोरी चिट्टी सी, मेरे जैसी चवन्नी शक्ल वाली थोड़ी ना हो। नहीं ताई जी, माफ कर दीजिए। तुम्हें सजने संवरने का बहुत शौक है ना, कोई बात नहीं, देखो कल से तुम्हारे पास उसके लिए बहुत सारा वक्त होगा, सजने संवरने के लिए। क्या हुआ, समझी नहीं? अरे बेटा, हम तुझे नौकरी से निकाल रहे। एक मौका ताई जी, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा ऐसा। अरे इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही है, इतना भी नहीं समझी मुझे? ऐसी कामों के लिए मैं किसी को माफ कर सकती हूँ क्या? जा। नहीं ताई जी, माफ कर दीजिए। जाती है या सिक्योरिटी को बुलाओ। नालायक कह की नजर लगा रही थी, और वो भी इतने खास दिन। अरे आज लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने ऐसे जाऊंगी, उनसे ऐसे मिलूंगी कि बस ताई जी का चेहरा उनके आंखों के सामने बार बार आता रहेगा। अरे जल्दी जल्दी करो, सब आने वाले होंगे।
मैं तुम्हें पता है मेरी मॉम ने इतनी सही प्रिपरेशन कर रखी है ना तुम्हारी माँ और बुआ के लिए, और वो मम्मा की इलायची वाली चाय मजा ही आ जाएगा। अबीर इतना सब कुछ, मेरी बात सुनो ना चंदू, थाल को ढकने के लिए कपड़ा ले आओ जल्दी से। और अब किसी भी वक्त मेरे पिताजी का फोन आता होगा ये फालतू सा बहाना मारते हुए कि वो क्यों नहीं आ सकते। अबीर ऐसा नहीं बोलते, सास बहू कनेक्शन। और टेबल पे पड़ी मिठाई की प्लेट मुझे बुला रही है और बोल रही है कि अभी एक बार टेस्ट तो करके देखो मैं कैसी हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, बहर के लिए। देख रही हो मैं शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं या शादी से पहले बेटा पराया हो गया। अरे कुछ भी बोलता है तू। अरे वो मिठाई का डब्बा। अबीर मेरी बात सुनो ना प्लीज। हाँ बोलो बोलो, यहाँ इनकमिंग फ्री है, बोलो। हमारी ट्रेन लेट हो गई थी तो माँ और बुआ है ना अब भी निकले हैं बस यहाँ से। और तुम तुम नहीं आ रही? मैं कैसे आ सकती हूँ? वो पैदल पैदल तो मुश्किल होगा ना, ऑटो करके आ जाओ। अबीर प्लीज, मजाक नहीं। अबीर ये सच में हो रहा है क्या? हमारी बात हाँ शायद हो रही है, क्यों? अबीर प्लीज, तभी तो सीरियस हो। अबीर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। क्यों तुम मंगल ग्रह पे खड़ी हो क्या? अबीर ओ आगे। अबीर सब ठीक तो होगा ना? अरे सब बिल्कुल ठीक होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वैसे तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ पर मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अच्छा और तुम जानना चाहते हो? नहीं तो अच्छा सुनो। बोलो। तुम्हारे आसपास कोई है? नहीं नहीं है। आंखें बंद करो। अरे वहां क्यों खड़े हैं? नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे आंटी जी बुआ जी आइए ना, आइए 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 प्लीज, कम प्लीज प्लीज। अरे ये बिजली को क्या हुआ? चंदू देखो अब क्या हो गया है। ओहो आपको पता है बिजली क्यों गई? क्यों? आप मेहर को नहीं लाए ना इसलिए। I'm so sorry. वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं जाती, आज पता नहीं क्या हुआ। अरे कैंडल लाओ भाई। आ जा आइए आइए प्लीज कम आइए। अबीर के पापा बस अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, वो कुछ काम था उन्हें। कोई बात नहीं सुमन जी, एक बात पूछनी थी आपसे। जी अभी अकेले आपके यहाँ ऐसे ही मिलने चला आया, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा ना? बहन जी इसके किसी बात का किसी को कोई बुरा लग सकता है? लो मैं तो पहले ही नहीं कह रहा था आपसे, ताई जी भी ऐसी कहती हैं। कुछ भी कहता है ताई जी है कहाँ? भाभी वो लड्डू का डिब्बा देखिए ना, उसी में होगा। एक तो यहाँ पे है, बाकी शायद आपके बैग में होंगे। हाँ, उसी में होंगे। ये सब तो होता ही रहेगा, चाय तो लीजिए।
और देखिए ना बाकी वो इसमें तो नहीं है। ये तो नहीं है टिप्पा। ये आवाज तो जानी पहचाने से लग रही है। बैग में होना चाहिए। लाइट आ गई। अब डिब्बे भी मिल जाएंगे। ये लीजिए देखो, है ना? अरे लाइट आई, ताई जी भी आ गई। अरे आइए ना ताई जी। भाभी आइए ना ताई जी। योर ऑनर, मैंने इस आदमी को गाड़ी चलाते हुए देखा। किसी ने उन सब्जी वाले को मारा है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है योर ऑनर। किसी ने उन सब्जी वाले को मारा है। अरे कोई बच्चा, अरे ये तो मर गया है। अरे अरे भाग रहा है वो, पकड़ो उसे। भाग रहा है, भाग रहा है वो। अरे पकड़ो साले को, पकड़ो पकड़ो। तो निकालो, निकालो। हे चल, को जाए चल। मुझे हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ मैं इधर ही हूँ, भाई साहब के पास हूँ। ठीक है, जो करना था वो हो गया ना भाई साहब? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो गया है। एक्सीडेंट के वक्त जितने भी लोग आसपास थे उनकी जेब भरती गई है ताकि वो अपना मुंह ना खोले। और वकील नायर कह रहा है कि कोई अगर चश्मदीद गवाह नहीं है तो एक्सीडेंट आपने किया है, किसी और ने किया, क्या पता। छोटे तू जा, आज तेरी एक जरूरी मीटिंग है ना? हाँ लेकिन। अरे लेकिन क्या, बाकी सबके साथ तूने सेटिंग कर दी है ना, और बाकी जो भी है वकील साहब संभाल लेंगे, और ये मीटिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगी। भाई साहब ये मीटिंग इतनी जरूरी नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा, मैं तुझे मुंबई में आकर मिलता हूँ। ठीक है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, सब कुछ ठीक तो? अरे क्यों परेशान हो रही हो, चिंता मत करो, शाम को डिनर हम साथ करेंगे। ओके कम। केस में पक्के सबूत और गवाहों के नाम मिलने की वजह से यह साबित नहीं हो सका कि मुरारी प्रसाद को कुचलने वाली गाड़ी मिस्टर केदार ही चला रहे थे। इसीलिए ये अदालत मिस्टर केदार को बाइज्जत बरी करती है। एक मिनट योर ऑनर। मुझे इस केस के बारे में कुछ कहना है योर ऑनर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जी। योर ऑनर, मैंने इस आदमी को वो गाड़ी चलाते हुए देखा था।
किसी ने उन सब्जी वाले को मारा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवरूल। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो गाड़ी मिस्टर मल्होत्रा ही चला रहे थे? क्योंकि योर ऑनर, जिस गाड़ी को ये नशे की हालत में चूर होकर चला रहे थे और जिसके नीचे वो सब्जी वाला आया, उससे बस 2 सेकंड पहले ही मैं उस गाड़ी के नीचे आते आते बची हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है योर ऑनर। मिस्टर केदार मल्होत्रा ही वो गाड़ी चला रहे थे। नए गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर मल्होत्रा को दोषी करार देती है। ये अदालत मिस्टर मल्होत्रा को 5 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाती है। उस दिन ना देव की पुरोहित गवाही देती, ना मेरे पति जेल जाते और ना ही जेल में उनकी मौत होती। मेरा घर उजाड़ कर मैं इन दोनों को अपनी बेटी का घर कभी नहीं बसाने दूंगी। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ताई जी, ताई जी, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ ताई जी? अरे है जी, क्या हुआ? हाँ, क्या अचानक से ऊपर क्यों आ गए? अब आप एकदम से ऐसे चले आए नीचे, सारे टेंशन में आ गए हैं। आप ठीक तो? अरे कुछ नहीं, मैं जरा दवाइयां ले रही थी, पुरानी तकलीफ है, आज फिर लौट आई है। मैं ठीक हूँ। ठीक है ना आप? अरे तो फिर चलिए ना, मेरी शादी वादी पक्की कीजिए, आपके बिना मेरी शादी कैसे होगी ताई जी? चलिए ना। बहुत प्यार करता है ना उस लड़की से, रह नहीं पाएगा ना उसके बिना। ताई जी रह तो लूंगा, क्योंकि रहने के लिए सिर्फ सांस लेना जरूरी है ना, लेकिन जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जीने के लिए मैं जरूरी है। ठीक है, फिर मैं सब कुछ तय करूंगी। हाँ, लेकिन तुम्हें अपने रूम में जाना होगा, तुम वहां नहीं रहोगे। क्यों, अपने ताई जी पे भरोसा नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो ताई जी, आप पे तो पूरा भरोसा है, पर देख लेना आपके हाथ में मेरी गर्भवती है। लव यू। बिल्कुल सही किया तुम्हारी ताई जी ने। अरे हमारे रिश्ते की बात हो रही है और तुम वहीं बैठे बैठे स्माइल कर रहे हो बेशर्मों की तरह, ऐसे होता है क्या? और अगर ना हो जाती तो? ना क्यों, क्या बुआ और माँ का कुछ? ओहो हो, लड़की दीवानी हुई पड़ी है, देखो तो। मजाक में भी ना नहीं सुनना चाहती हैं? मजाक करो बेबी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। कबीर प्लीज, ऐसे मामलों में मजाक मत किया करो, जान निकल जाती है मेरी। जान? जान तो मैं हूँ और मैं नहीं निकलने वाला। अच्छा सुनो, किसी तरह चुप नहीं तो ना, मुझे फोन को किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा मतलब अगर मैं होता तो कर लेती? हाँ कर लेती, अगर तुम सामने होते तो।
अबीर। अबीर क्या? मैंने थोड़ी ना कुछ किया, तुम ही बोलती जा रही हो कुछ ना कुछ। अच्छा एक बात कहूँ? अरे तुम एक नहीं दो बातें कह लो, अपनी इनकमिंग फ्री है। मैं ना बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। हुँ? 8 घंटे हो गए मुंबई आए हुए हो, अभी तक तुमसे नहीं मिली हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या बात कर रहे होंगे वो लोग? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।